चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। तो आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले तक चर्चा थी कि गठबंधन में चुनाव होगा, लेकिन अब ये लिस्ट जारी की आम आदमी पार्टी ने। तो हरियाणा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली सूची में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो पहली सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। कलायत से अनुराग डांडा चुनाव लड़ेंगे। तो कलायत से अनुराग डांडा चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के हरियाणा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। पहले तक चर्चाएं ये थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी कर दी गई है। तो कई बार रुख बदले हैं दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें। पहले आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन जब टिकटों को लेकर मंथन शुरू हुआ तो खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चाएं चलती रही। दीपक बाबरिया से भी कई बार पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन चर्चा जारी है। राघव चड्ढा कई बार मिलते नजर आए थे। अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है तो उस लिहाज से 20 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, वहीं जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था गठबंधन को लेकर के, समाप्ता निष्कर्ष वहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का दावा है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, जमीन स्तर पर काफी मजबूत है वो, तो कहीं से भी पीछे नहीं है वो हरियाणा में। वहीं कांग्रेस का भी कहना था कि कांग्रेस की लहर काफी अच्छी है हरियाणा में लेकर के, हालांकि फिर भी चूंकि शेष नेतृत्व तो चाहते हैं कि गठबंधन हो, जिसके लिए गठबंधन होगा अगर शेष नेतृत्व को लगता है, तो इस तरह की चर्चाएं बिल्कुल देखने को मिल रही थी। अब कहीं ना कहीं गठबंधन पर फैसला हम कह सकते हैं कि हो नहीं पाया, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों का नाम उतार दिया है मैदान पर, 20 उम्मीदवारों के नाम उतार दिए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखिए नारायणगढ़ से गुरबुल सिंह को मैदान में उतारा गया है, इसके अलावा कलायत से अनुराग धांडा, कुंडरी से नरेंद्र शर्मा, गरौंदा से जयपाल शर्मा, असंध से अमन जुंडला, समलखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कलान से पवन फौजी, दवाली से कुलदीप गदराना। क्योंकि देखिए गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो क्योंकि उचाना कला से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कल अपने उम्मीदवार को उतारा है, अब आम आदमी पार्टी ने भी उतार दिया है, तो हम कह सकते हैं कि गठबंधन कहीं ना कहीं नहीं हो पाई है। क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी डबल डिजिट का की उम्मीद कर रही थी, मांग भी रही थी, वहीं कांग्रेस के द्वारा सिंगल डिजिट देने की बात हुई थी, समझता शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन पाई। हालांकि देखिए शेष नेता तो चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा भी सूत्रों की माने तो कहा गया था कि मजबूत होगी, जिस तरीके से नेशनल लेवल पर चुनाव लड़ा गया था एक साथ, तो अगर विधानसभा चुनाव में भी एक साथ लड़ा जाता है तो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन काफी मजबूत होगी, इस तरह की चीज तो बिल्कुल राहुल गांधी के द्वारा कही गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व भी चाहते थे, शेष नेतृत्व भी चाहते थे कि गठबंधन हो, जिसके लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला था। मतलब देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सूत्र में अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया था कि अपराजिता, ये अगर ये लिस्ट आ गई है आम आदमी पार्टी की, तो क्या इससे अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस 90 के 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से भी कल सूची जारी की गई थी और कहीं ना कहीं बात स्पष्ट नहीं हो पाई है गठबंधन को लेकर के, और आज देखिए अगर हम दो एक सीट की बात करते हैं, उचाला कलान की बात करते हैं, तो कल कांग्रेस ने सूची जारी की थी और वहां से बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार उतारा था, वही देखिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है वहीं से उचाला कलान से भी उतार दिया आम आदमी पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि गठबंधन की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट हो गई है, गठबंधन प्रदेश में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो भी गठबंधन होना था वो नेशनल लेवल पर हो चुका है, हरियाणा में संभव नहीं है। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस प्रदेश की बात करते हैं, तो सभी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि प्रदेश के स्तर पर किसी भी प्रकार की गठबंधन की हमें जरूरत नहीं है, गठबंधन थी नेशनल लेवल पर थी मगर यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है गठबंधन की। तो बिल्कुल
अब हालांकि देखिए जैसे ही सीईसी की बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी तो बिल्कुल उसके बाद से ही सूर पकड़ता हुआ नजर आ गया था गठबंधन, क्योंकि उससे पहले सर अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रदेश के स्तर पर कहा जा रहा था कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ने के तैयार है, चाहे कांग्रेस हो जाए आम आदमी पार्टी हो जाए। और आज भी सुबह सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा भी कहा गया था कि अगर आज परिस्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से शेष नेतृत्व की तरफ से तो हम अपने उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे। अब देखिए उम्मीदवार भी उतार चुके हैं, ट्वीट कर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने ट्वीट कर शुभकामनाएं भी दी है सभी प्रत्याशियों के, यानी 20 उम्मीदवारों को जो उतारा गया है उनको बधाई भी दी है डॉक्टर सुशील गुप्ता ने। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के अब जो परिस्थिति है वो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन नहीं जाता, क्योंकि देखिए प्रभारी के द्वारा भी और राघव चड्ढा के द्वारा भी दोनों तरफ से कहा गया था कि गठबंधन तभी संभव है जब दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो अपना डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी वो किस तरीके का हरियाणा में रहने वाला है, क्योंकि देखिए जब भी देखा गया है जब भी चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आम आदमी पार्टी आमने सामने होती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की उतनी वोट नहीं काटती है जितनी वो कांग्रेस के लिए काटती है। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को देखते हुए कांग्रेस बढ़ चढ़कर गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ रही थी मगर बात नहीं बन पाई। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो वोट शेयरिंग है अब कितनी कांग्रेस की तरफ जाती है, कितनी आम आदमी पार्टी की तरफ होती है और क्या बीजेपी को इससे फायदा होता है, तो अब देखने वाली बात है। हालांकि 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, इंतजार है कि और भी बची हुई सीटों पर जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि सभी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के उम्मीदवार तैयार है हमारे, बस इंतजार है वो है शेष क्षेत्र को इंडिकेशन का, जैसे ही वो देंगे हम अपने सभी उम्मीदवार को मैदान में उतार देंगे। जी बिल्कुल, और अपराजिता एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर साथ लड़ा, हालांकि एक सीट पर वो जीत भी नहीं सके, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जैसे कि आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आई है कि हम हरियाणा में एंट्री करेंगे और उन्होंने एंट्री कर भी लिया, 20 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, चलिए तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है पार्टी इनकेस अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है तो। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हालांकि अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की थी देखा था हमने कि कुरुक्षेत्र से जब सुशील गुप्ता चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे तो जो उनकी जो सिचुएशन थी वो अगर पहली बार के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, हालांकि जीत नहीं मिली थी उन्हें मगर काफी अच्छा प्रदर्शन उनका वहां भी रहा था। तो बिल्कुल हालांकि देखिए जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि क्या प्रदेश के स्तर पर मौका दिया जाएगा आम आदमी पार्टी को, क्या आम आदमी पार्टी इस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, मगर जिस तरीके से विश्वास आम आदमी पार्टी देश नेतृत्व यहाँ पर निभाता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर उनकी पार्टी वर्कर्स उनके कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं को देखते हुए यानी अपने पर विश्वास जताते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर संभवतः आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती हुई नजर आएगी, क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से विश्वास आम आदमी पार्टी के वर्कर्स पर यहाँ पर लगाया गया है तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इनका डेब्यू रहने वाला आम आदमी पार्टी का। हालांकि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे 9 और 1 सीट पर, हालांकि जीत नहीं मिली थी मगर अच्छा प्रदर्शन रहा था आम आदमी पार्टी का भी वहां पर। तो अब देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव में आमने सामने गए ये तो किस तरीके का क्या इन लोगों का रहता है, आम आदमी पार्टी की क्या सिचुएशन रहती है, वहीं कांग्रेस को कितना फायदा कितना नुकसान आम आदमी पार्टी का रहता है यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और वहां से दल भी हरियाणा के कुछ दल है वो भी उनके लिए कॉम्पिटिशन रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस लगातार ये चीज कहती आती है चाहे जेजेपी को लेकर के कहा जाए या इनहेलो को लेकर कहा जाए तो लगातार उनके द्वारा कहा जाता है कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा है, इन सब की चीजें कहती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को कहती है कि कांग्रेस अकेले है बाकी पार्टियां बीजेपी की तरफ से काम करती है, तो बीते वाली बात है कि क्या कितना कॉम्पिटिशन कांग्रेस के लिए रहने वाला है विधानसभा चुनाव में। जी चलिए, लेकिन एक चीज और है अपराजिता, इन नामों की अगर हम बात करें तो जैसे कि अब कलाया से चुनाव लड़ रहे हैं ढांडा, उसके अलावा और भी क्या महत्वपूर्ण नाम है इस लिस्ट में, वहीं दूसरी तरफ अगर मगर स्थिति के बीच चलिए लिस्ट तो जारी हो गई है तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ किया गया है या कुछ कयास की क्या पूरे 90 के 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर संख्या कम हो सकती है। इस तरीके से गठबंधन से पहले कहा जा रहा था गठबंधन
स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तब कहा जा रहा था कि गठबंधन होगी, जो सीट होगी उस तरीके से, फिर यानी गठबंधन के हिसाब से फिर सीट शेयरिंग को लेकर के जो जो चीजें होंगी उस हिसाब से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि अगर गठबंधन नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, चाहे संदीप पाठक की बात करें, संजय सिंह ने सुबह भी कहा था, आज भी सुशील गुप्ता ने कहा था कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी अपने उम्मीदवार को उतारा जाएगा। अब क्योंकि देखिए गठबंधन कहीं ना कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो संभव है कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती ही नजर आएगी। बिल्कुल, और एक तरह से देखा जाए तो सुशील गुप्ता बार बार ये कहते रहे हैं, प्रभारी भी उन्हें बनाया गया, तो इसके अलावा कौन इस पर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है? क्योंकि जब मुलाकात हो रही थी तो राघव चड्ढा भी वहां पर हाईलाइट हुए थे, राघव चड्ढा दीपक बाबरिया से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, तो क्या है सिनारियो, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? बिल्कुल देखिए, जिम्मेदारी दी गई है, चाहे हम संदीप पाठक की बात करते हैं, प्रियंका सक्कर की बात करते हैं, संजय सिंह की बात करते हैं, तो जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं सभी को जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा को लेकर के, क्योंकि कैसी सही से भी कोई कोर कसर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। हमें देखा है कि अगर हम सुनीता केजरीवाल की भी बात करते हैं तो वो भी रैली करते हुए हमें दिखा, हरियाणा में उन्हें रैली करते देखा है, संजय सिंह को भी हमने वहां पर देखा है, मनीष सिसोदिया हो जाए, तो सभी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं, कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल सुशील गुप्ता है, मगर शेष नेतृत्व भी कहीं से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सभी यहाँ पर जिम्मेदारी लेते हुए, चाहे गठबंधन को राघव चड्ढा की हद पर जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं जो बाकी चीजें हैं संदीप पाठक, संजय सिंह, सभी को जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि स्टार कैंपेनर्स कौन होंगे, सब क्या होंगे, ये तो भी आने वाले दिन में मालूम पड़ेगा, मगर जिम्मेदारी सभी को दी गई है। अब तक की गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो संभव है कि राघव चड्ढा को कोई और अहम जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी पार्टी, और साथ ही और भी अगर सुशील गुप्ता चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं तो और भी, क्योंकि देखिए उनसे तो बिल्कुल कहा गया था, जब सवाल किया गया था सुशील गुप्ता से कि क्या वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो हालांकि उनके द्वारा कहा गया था कि जो नेता कहेंगे, यानी शेष नेता, तो जो उन्हें कहा जाएगा। चलिए, अब लिस्ट तो सामने आ गई, अब कहीं ना कहीं इस पर रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा। और भी पार्टियां हैं, चुनावी मंथन लगातार चल रहा है, फाइट तो सीधे बीजेपी कांग्रेस में नजर आ रही है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है 20 सीटों पर, देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिएक्शन इस पर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।